6:45 हो गया, अभी जस्ट हमने होटल में चेक इन करा है। आज हमारी एनिवर्सरी का दिन है, बहुत 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 अच्छा जा रहा है। हम लोग जिस जगह पे रुके हैं वो नगर में आती है, होटल का नाम मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूँ, वो है ताज, वो सामने ताज का होटल वहाँ पे है। सो हमारी प्रॉपर्टी दूसरी है, यहाँ पे ना घर है, मतलब बहुत डिफरेंट तरह के घर है, और यहाँ पे आना ये ना मतलब मनाली से थोड़ा पहले आ जाता है। सो यहाँ पे आना थोड़ा सा मुश्किल होगा जिनको हिल एरिया में ड्राइविंग में। बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है ये। हमें जो रूम मिला है वो एक कुल्लू है और एक कांगड़ा है, स्टैंडर्ड रूम हम लोगों ने बुक करे थे। रूम में तो सब लोग बैठे हुए हैं, तो मैं आपको ना थोड़ा सा बाहर से दिखाती हूँ ना, मतलब पूरा वाइट कलर का है ये होटल, ऊपर से अगर देखोगे। अरे वाह, मतलब इस प्रकार से बनी हुई यहाँ पे, और ये स्विमिंग पूल सामने, इसके व्यू है बहुत ही प्यारा सा, और ये जो पेड़ है इस पे लगी है नाशपाती। ये हमका नहीं है, हमारा रूम है कुल्लू, दूसरा वाला कांगड़ा है, और ये बाकी किसी और का है, मतलब अलग अलग इसको नाम दिए हैं। अभी जस्ट हमने एंट्री करा है, तो जितना मुझे पता था तो मैंने रखा था, और हमने मंगाई है चाय पीने के लिए, क्योंकि उनका वेलकम ड्रिंक तो होता है एप्पल जूस, लेकिन मैंने बोला भैया हमको चाय दे दो। ये स्लेट्स कितनी प्यारी बनाई है ना, ये यहाँ पे बैठ के चाय पियो और ये व्यू इंजॉय करो, ये बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। ये नीचे किस चीज के मम्मी, वो है मम्मी कह रही गोभी है, बाकी भैया आते तो उनसे पूछती हूँ। वाले के जानने को तो हाथ मत लगाना, इसमें डायरी मिल के गोला, यहाँ पे बहुत महंगा नहीं होगा क्या ये वाला सामान, ये तो इनको लोग उठा के ले जाओ, हम पैसे, मैं उनको मैं भी ये बोल रही थी जूस ये सब, हाँ कि हम सब ये दे देंगे, छाछ भी है। हाँ अच्छा, भी देख पीछे वाला कितना सुंदर आइडिया है, ये ऐसे छोटे से रूम में कितनी चीजें करी हुई है ना, अच्छा बनाया ना। बहुत सुंदर, पर इस रूम में व्यू नहीं है, व्यू नहीं है, पर ये साड़े जा रही है, ये साड़े जी बाहर गया क्या, तेरे लिए सुंदर है ना, इसमें क्या है पता नहीं, मेरे से नथिंग कुछ खाली है, बट इसमें यही है कि बारिश से हवा चल रही है ना बाहर, तूफान। आपके में ड्रायर है? हाँ। मेरे ड्रायर ये भी है, मैं कहता बाल्टी और जग मंगवाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला कि मैंने हाल ना 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 रात को ना क्या रात से सोना है ना, डिनर भी तो नहीं किया ना हम लोगों ने, ये वाला भी तो बंद होगा ना, ये तेरे रूम में येलो है, हमारे में ब्लू है। हाँ फ्रोजी का नहीं है, हाँ ये कांगड़ा थीम है ये वाली, और यहाँ पे दो कुर्सी है, वहाँ पे एक कुर्सी है, ये सब मैंने नोटिस किया। चले चल, पर कोई मैं भी आ रही हूँ, अरे मेरी चाय तो ऊपर ही है ना, हाँ फोन तो मेरे पास है, और मेरे पास है ये, कितनी सुंदर बारिश लग रही है ना इसमें पूल में, मैं कभी पूल में नहाए, तुम सब लोग नहाए हो, अब कभी नहीं नहाए, चलो आज नहाते हैं। कहाँ से, एप्पल के पेड़ तो नहीं है यहाँ पे, कौन सा नहीं साडा कदम प्लास्टिक पूल चेंजिंग एरिया ना, शाम का जो नज़ारा है यहाँ का बहुत ही डिफरेंट था, ऐसा दिल कर रहा था बस ये समय निकले ना, और हम इधर ही बैठे रहे पूल के किनारे बैठ के, थोड़ा सा सबका वेट किया, और उसके बाद मैंने स्पेशल ऑर्डर पे उनको बोला था कि कढ़ी बनाना, इतनी अच्छी उन्होंने कढ़ी चावल बनाए थे, दाल भी थी और प्लेन तवे वाली रोटी थी, तो ग्रीन सैलड था, उसके बाद बीन्स की सब्जी थी, उसको खा के मन बहुत खुश हो गया, और हम
वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फाइनली अपनी एनिवर्सरी के लिए, एनिवर्सरी वैसे कल थी, आज 13 जून है, जा रहे हैं ताज मनाली। सब लोग रेडी हो गए हैं, बस एक रह गए वो रेडी हो रहे हैं। हम लोग पैकिंग वैकिंग कर लिए, ब्रेकफास्ट कर लिया, नहा लिया, आराम से बैठी हुई। इतना अच्छा मौसम है, सच्ची बताऊं जब से आए हैं आज तक ना ऐसे लग रहा है पता नहीं हम लोग कहाँ पे हैं। इतना ठंडा, ऐसे गर्मी भी रही है, नीचे जाके तो बहुत गर्मी लगी, पटना में जाके तो और भी ज्यादा। एप्पल्स मैम, एप्पल्स। ये सब ताज के हैं? Yes. हमको 2 बजे चेक इन था, बट उन लोगों ने हमको 12:30 के अराउंड बोला कि आप मैम चेक इन कर सकते हैं, कि मैंने उनको बोला था मेरी एनिवर्सरी है। मैंने ऐसे नहीं बोला कि पिछले दिन थी, बोला आज मेरी एनिवर्सरी है, तो मैम आप चेक इन कीजिए, और उन्होंने मेरा रूम अपग्रेड कर दिया। ये भैया ये एप्पल है, ये नाशपाती है, ये एप्पल है, और ये भी एप्पल है। ये है हमारा रूम, यहाँ पे हम अपनी एनिवर्सरी की, घर नहीं ये तुम्हारा घर, ये हमारा घर, ये तुम्हारा है, ये प्रीतिका, यहाँ पे करेंगे हम अपनी एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन। वो वहाँ पे होटल, मतलब एंट्रेंस है, रेस्टोरेंट है, और बैठने के लिए वो सब है, रूम्स इनके यहाँ पे, और बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है यहाँ पे, एप्पल के पेड़, नाशपति, एकदम लाइक ऐसा लग रहा है नेचर का इतनी क्लोज हो। सबसे अच्छी बात की मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा, टेस्टी है, बहुत अच्छी। ये ग्रीनरी देखने वाली, एकदम जी घर होगा है ना प्रिया, लाइट जल जाए तो बैठो, बूटे खड़े जल जाओ। हमारे उधर है तो ऐसा ही, पर हमारा थोड़ा गर्म होता है। पहले हमने भी ऐसे लगाए हुए थे घर पे अपने, ऐसे नहीं प्रॉपर, मतलब पहले हम दीपू ने बनाया था, है ना भैया, हमारा गेट नहीं लगा था, दीपू आपने नहीं बनाई थी वो बाढ़ जैसी, हाँ, कपड़े बन बन के डंडे लगा लगा। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ पूरा रूम टूर, अगर आप कभी आते हो तो आपको आसानी होगी। मम्मी बैठे हुए हैं और यहाँ पे मैंने ये गेट खोल दिया, अभी हम एंटर करेंगे अंदर। ये मेरा और इनका रूम है, मम्मी और प्रीति का दूसरा रूम, वैसे दोनों सेम है, पर प्रीति के व्लॉग में वो आपको देखने को मिलेगा। ये सामने एप्पल के बगीचे हैं, नाशपति है, हम भी वैसे अभी आए हैं तो अभी देखा है, मैंने भी पहली बार इतने पास से देखे, और अब हम इधर ही रहेंगे। अभी हम एंटर करते हैं, एंटर करते ही ये बैठने के लिए चेयर्स लगी हैं, ये हमारा बेड है, बहुत खुला है, जितना आपको कमरे में दिख रहा है इससे भी बड़ा रूम है। ऑब्वियसली यार एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है तो इसलिए मैंने बुक किया, तो भाई आज शायद हम निकल ही जाते, लेकिन मैंने बोला कि चलो ठीक है एक दिन और थोड़ा इन्जॉय करते हैं। और ये पढ़ने के लिए है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे लैपटॉप वगैरह अपना रख दिया है, सामान रख दिया है, एसी वैसे ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे एसी लगा हुआ है। और ये हमारा बैग है, बाकी बैग हमारे गाड़ी में है, क्योंकि इतने दिन से हम लोग आए ना उसमें सब अपने भर के रखे, अब ये एक ही बैग निकाल के लेके आई मैं। और ये है बाथरूम, जो कि रूम से भी बहुत बड़ा है, और ये देखो, वैसे मैं भी अभी देख रही हूँ, मुझे पता नहीं है, मैं आपको बताने तो ऐसे जा रही हूँ जैसे मुझे सब पता है। सी बायोटिक की अमेनिटीज रखी है यहाँ पे, ये हमारा साबुन, और ये नहाने के लिए शावर जेल वगैरह है, स्टैंडिंग शावर भी है, और उन्होंने हम लोग का ना रूम अपग्रेड किया है, क्योंकि मैंने बोला था मेरी एनिवर्सरी है तो मैं इसलिए बुकिंग कर रही हूँ, और मैंने ये बुकिंग एपिक्योर, जो मैं मतलब ताज की मेंबर हूँ, उसके थ्रू इसको बुक किया, काफ़ी सारा डिस्काउंट मिला है इसके ऊपर दोनों रूम्स पे। सो जी अभी हम चलते हैं बाहर, ये तो था हमारा रूम टूर, यहाँ से विंडो है, चाय वाय बना सकते हैं, फिल्टर कॉफी का है, पानी की बॉटल्स है, मम्मी को दे देती हूँ पानी की बॉटल, पानी पी लो, मैं एक और दे देती हूँ। प्रिया दी, क्या हम आपके घर में आ सकते हैं? क्योंकि आपके पास अपना घर है। काश ऐसे घर हमारे होते ना, सबके घर है सेम, जैसे ना ऐसे दरवाजा होता ना, हाँ ना, हाँ, तो अगर ऐसे घर कितने सुंदर है ना, फटाफट दरवाजा खोल के किसी से कुछ ले आए, किसी से कुछ ले आए ना, पर ना ऐसा कहते हैं जितना दूर रहो उतना ज्यादा प्यार रहता है। यार मैं तो सिर्फ एक इमेजिनरी, मम्मी प्रिया तो मुझे मम्मी इमेजिनेशन में भी अपने पास नहीं रखना चाहती, इमेजिनरी बोल रही हूँ मैं कि अगर काश होता है ऐसा, तभी तो दूर है, इतनी दूरी है तो है, हाँ इतनी दूरी है, ये तेरा ये मेरा, ये तेरा घर, कौन सा अपर फ्लोर पता नहीं यार, वाला बुक करा था मैंने, पर यहाँ पे लोअर पे मजा है क्योंकि अपर फ्लोर पे हम क्या करेंगे, मम्मी फोन रख दो, मम्मी यहाँ पे आके भी फोन चला रहे हैं,
मम्मी ना अपने फ्रेंड को फोन करके दिखा रहे हैं और हम ना थोड़े दिन के बाद बस फिर चले जाएंगे पटना, तो सबको बहुत मिस करूंगी। मेरा चेहरा कैसे हो गया, धूप में घूम के हम वो नीचे तक घूम गए, आपको भी दिखाऊंगी मैं नीचे तक जब हम गए थे वहां पर, मैंने व्लॉग नहीं बनाया। मैं अपने फ्रेंड को दिखा रही हूं, मम्मी की सहेली है कृष्णा आंटी। सो कॉम्प्लीमेंट्री, थैंक यू। इधर ही सर्व कर दो ना, कुकीज भेजिए कॉम्प्लीमेंट्री और चाय में अदरक था तो मैंने उनको बोला कि अब चेंज कर दो इसका, तो वो चेंज कर दी। बात करते करते नीचे को चला गया, मम्मी कह रही ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं घूमती रहती हूँ थोड़ा सा इधर ही। ये ना फिल्टर कॉफी बनती है इससे, फिल्टर कॉफी। मम्मी को लगा ना जूस बनता है। प्लेन जगह लै उत्थे मकान पा ओ हुंदा, चढ़ाइयां तराइयां गड्डियां नूं चढ़ा आकाश दा हर दम खतरे पर जाना। अभी हम काटेंगे केक, क्योंकि लोग बोल रहे थे केक नहीं काटा, कैसे एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है। हम लोग इतना बिजी 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 चल रहे थे, बिजी भी नहीं मतलब इंजॉय कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे और फिर बिलासपुर आने पर फिर शिमला गए फिर वापस मनाली है। इस वजह से रेस्ट को भी प्रेफरेंस दे रहे थे, खाने पीने को प्रेफरेंस दे रहे थे और व्लॉग को मैंने बोला चलो ठीक है एक दिन अगर मतलब लेट दो दिन चला भी गया तो कोई बात नहीं। मम्मी भी कर रही है रेस्ट, प्रीति और गोडे है नहीं दे रही है साथ, मुंडा साथ नहीं दिया करता, हूँ छे भी छड़ गए सब तो कहती हूँ भी छड़ गए साढ़े मुंडे मांडे भी साथ। और प्रीति है इधर बाहर बैठी, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना सब लोगों को ना नीचे आके दिखा के आऊँ। क्या वो एप्पल का वो नाशपति का लोगों दिखाया, मैंने सप्ताह दिखाया, सप्ताह की सप्ताह कृष्णा आंटी कृष्णा थी भी सप्ताह आ गई थी। अच्छा कृष्णा ने फोन आ गया कहती फिर करूंगी आना चाहिए, इन्हें मकाना कभी डर ही नहीं है। पैसा खर्चना तो चज की जगह खर्चो, चज की लो और खुली जगह हो ऐदा बैठने में कुर्सी जिदा पहाड़ कुर्सियां हो गई चार। एक्चुअली मैं ना जैसे मैं बोलती हूँ शिमला में पहले बोलती थी घर ले रहा, मम्मी को लग रहा है कि वो शिमला में जैसे एकदम स्लांट बने होते हैं ना तो मम्मी को लगता है कि प्लेन में घर बना, इनको शुरू से ऐसा लगता है। लेकिन मेरे को हमेशा से होता है कि मेरा घर अभी तो मेरे को लेना नहीं, लेकिन बात कर रही हूँ कि वहाँ पे हो जहाँ पे शिमला में हो वहाँ कहाँ ये वो नहीं। मनाली अच्छा है, बहुत अच्छा है कुल्लू में, बट शिमला में मैं ना कपड़े चेंज कर लिए, मुझे ना ये वाले कपड़े बड़े कंफर्टेबल लगते हैं, मैं घर पे पहनती हूँ इस वाले टॉप को, पटना में तो मैंने अभी यही पहन लिया और कल हम चले जाएंगे अपने हिमाचल मतलब अपने घर उधर हिमाचल मम्मी शायद रुके मे बी मंडे में। वैसे प्लान तो कल जाने के, वैसे प्लान तो कब का बन रहा है कि चल जाएंगे एनिवर्सरी पे भी जो मैंने पहनना था ना वो घर पे छोड़ के, मतलब इनके लिए भी और अपने लिए मैंने स्पेशल कुछ कपड़े लिए थे कि यूनिवर्सिटी में वो पहने, ऐसा कुछ बड़ा वाला प्लान तो नहीं था बट फिर हमने सोचा कि यार इधर मनाते हैं। और सबसे बड़ा प्लान हमारा ये था कि हम लोग एयरपोर्ट से सीधा सोलन जहाँ पर हमने घर लिया था वहीं पे रहेंगे। तो वही कहते हैं ना इंसान सोचता बहुत कुछ है बट होता वही है जो भगवान जी ने चाहा होता है, जैसे जैसी चीज़ें होनी होती है ना वैसे वैसी चीज़ें होती है, बट भगवान जी की जैसे उन्होंने चाहा जैसे जैसी चीज़ें हुई यहाँ यहाँ रुकना हुआ वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये वाला प्लान मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एनिवर्सरी का दिन कल हम मनाली में थे, कुल्लू मनाली ऊपर रोहतांग वाली साइड में थे और आज हम इधर है, तो देखा जाए तो आज ही सेलिब्रेशन होगा हमारी एनिवर्सरी का, केक वगैरह जो कट करेंगे है ना, तो ये भी आई वॉज लाइक ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये मैं सोचू ये आवाज किसी कितना प्यारा लग रहा है। वो सामने है रिवर और ये सब है हमारे बगीचे, इधर की जगह कभी नहीं मेरा निशान देखा है कभी भी नहीं, इतना खुला सालों भी आऊंगी फिर है ना। मतलब आओ तो मैं चार पांच दिन निकाल के आओ। हाँ रेस्टोरेंट है वो है? वो रेस्टोरेंट है इतने का। हाँ चलेंगे अभी हम लोग खाना खाने, धूप तो नहीं अच्छी लग रही मुझे, धूप अच्छी लगेगा यार ये मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले सोचू कहाँ से आवाज आ रही है, खड़कने से आती है आवाज, खड़कने की खिड़कियों को खड़कने से गाना है ये खड़कता है खड़क सिंह खड़क। आप लोग यार इमेजिन कर सकते हो मतलब जून के महीने में यहाँ पे नीचे इतनी गर्मी पड़ रही है और हम लोग यहाँ पे मतलब मेरे को मन कह रहा है कि गर्मियां गर्मियां ना हम लोग इधर ही निकाल के जाएं, एक कॉटेज टाइप कुछ ले लें या घर ले लें। देखो सामने पहाड़ उधर भी बर्फ है, इसकी कटिंग देखो यार इसकी बिस्कुट की कटिंग हुई है ना
हाँ ना इसकी कटिंग, हाँ कटिंग करनी पड़ती है ना दी ऊपर से ना जो लगे हैं ना जो लगे हैं बिया लगे हैं हाँ। वो बोलते हैं ये हमारा मालिक है ना अगर हम एक ही सेब खा लेना अब तो छोटे छोटे हैं ये नीचे गिर रहे हैं पर जो यहाँ पे हाँ। रह रहे हैं वो खा सकते हैं नहीं हाँ जो कहते एक सेब भी खा ले तो 500 रुपया लेंगे कहता हम जुर्माना हाँ। मैंने ना पूरे कर्टेंस ना रूम के खोल दिए ताकि मैं पूरा व्यू एंजॉय कर पाऊँ और ना मनाली वाले कुल्लू वाले शिमला वाले ब्लॉग्स को सब लोगों ने इतना प्यार दिया थैंक यू सो वेरी मच मैं रिप्लाई तो उतना नहीं कर पाई बट इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कर पाई तो थैंक यू अभी कहना चाहती हूँ और मेरी कोशिश थी थोड़े दिन बीच में व्लॉग लेट हो गया अदरवाइज मैं टाइम टू टाइम व्लॉग अपलोड कर ही रही थी वो सामने ना गुडाई कर रहे हैं तो हम अभी उनके पास चलते हैं बात करके आते हैं आप लोग गुडाई कर रहे हो सफाई ये अनार है ना आप लोग इधर के रहने वाले मनाली अच्छा कितना समय लगता है भैया अनार को पकने के लिए पूरा 3 महीने और लगेंगे मैम अच्छा उसके बाद ये नाशपाती है एप्पल है ये एप्पल है नाशपाती है बड़े वाला पेड़ है नाशपाती वो बड़े वाला ये तो अंदर इनका ही प्रॉपर्टी है ना पूरा इनका ही है मैम अच्छा ये सांब बाम तो नहीं होते होते मैम होते होंगे ना मिले भी हमारे को ऊपर बगीचे में मिलते हाँ वो तो है मेंटेन होगा ना मैम थोड़ा नजर भी आ जाता है फिर आता जाता हुआ पता नहीं लगता ना हाँ यहाँ थोड़ा हमारा सफाई करके इसीलिए सफाई करते हम लोग कि पता लग जाए आता हुआ जाता हाँ क्या मैं तैयार हूँ सफाई सितंबर में अनार सितंबर में तैयार होता है और एप्पल भी एप्पल तो पहले हो जाता है अगस्त से पहले हो जाता है अच्छा मार्च में मार्च अप्रैल जो स्टार्ट होता है ना मैं उस टाइम पर इसमें फूल लग जाते हैं एप्पल में एप्पल ओके उस टाइम पर अगस्त के टाइम पर ये फूल तैयार हो जाता है फूल तैयार हो जाता है अच्छा कब पड़ती है दिसंबर जनवरी फरवरी ये पूरा भर जाता होगा बर्फ से यहाँ थोड़ा कम ही लगता है मैम लगता है जैसे आज लग गया हाँ। कल धूप लग गया तो साफ हो जाता है हाँ। जैसे आगे आगे जाएंगे हम जैसे रोहतांग साइड को जाएंगे हाँ। वहाँ तो फिर बहुत अटल हाँ। टनल के बाद ही बर्फ हाँ। तो हफ्ता हफ्ता 10 दिन अभी भी हम लोग गए थे कल तो बहुत बर्फ थी उधर आगे को ना एप्पल आ गया आपका हाँ जी अनार आ गया हाँ जी नाशपाती आ गया हाँ जी फिर आड़ू आड़ू वगैरह तो मैम खुरमानी आड़ू चेरी वगैरह तो पल्ली साइड को है मैम अच्छा वैरायटी सब है मैम यहाँ पे हाँ मतलब ये तीन वैरायटी है एप्पल है अनार है नाशपाती है हाँ जी बाकी चेरी है खुरमानी है आड़ू है सब पल्ली साइड को है अगस्त में आएंगे खाने के लिए अच्छा नाशपाती तो पहले उससे भी पहले तैयार चला हेलो जी अभी हम करते हैं लंच जो कि हमारा था कॉम्प्लीमेंट्री ताज की तरफ से तो उसमें हमने मंगाए थे दाल चावल और सेब वड़ियाँ की सब्जी जो कि प्रीति ने बोला कि बहुत टेस्टी होती है और थोड़े सेब बिरयानी और छाछ आज सोचा कि काफ़ी अच्छा अच्छा बहुत अच्छे से हमारा लंच हो गया और लंच हमारा हुआ है 4:05 पर फिनिश अब बग्गे में हम लोग घूमेंगे वैसे मेरा मन था कि हम वॉक करके घूमूं बट बग्गे में भैया एक्सप्लेन भी कर देंगे सब कुछ और ये पूरा टूर भी हो जाएगा हमारा 72 acres मम्मी कुछ नहीं मम्मी डर गए आप गिरे भी तो मम्मी वो पूरे नेचर में गिरोगे उसकी प्रॉपर्टी है मैम जी बाकी मैक्सिमम एरिया एप्पल ऑर्चर्ड से ऑक्यूपाइड है मैम ये सभी एप्पल ट्रीज है ओके बाकी काफी वैरायटी एप्पल का भी है और बाकी भी फ्रूट्स है प्लम है जैसे ये पियर्स है मैम ये वाली पियर्स लेकिन अभी कोई तैयार नहीं है पूरी तरह नहीं अभी नहीं चेरी था अभी चेरी हो गया उसकी हार्वेस्टिंग होगी मैम कीवी भी है ना कीवी हाँ कीवी भी मैंने देखा पर तू नहीं कभी भी काफी रेयर पेड़ दिखा दे और मेरे को ना वो भी देखने थे इलायची का पेड़ नहीं होता इलायची क्या है यहाँ वो यहाँ पे नहीं वो नहीं नहीं मुझे असम में सभी अखरोट के पेड़ अखरोट ये अखरोट बड़ा है गुलाब का फ्लावरिंग एकदम गुलाब जैसा अनार के पेड़ अनार के जब लगते हैं तो आप खा सकते हैं इसको आपको खाना अलाउ होता है आप भी खा सकते हैं आप ये देखो ये कितने सुंदर है इतने पत्ते नहीं जितना फल लगा हुआ है ना
एकदम ग्रीन। ये देख भैया पार्क से रात को शाम को लेके आएंगे इसको। हां दिल करता जदा फूलों को फूलों पर है बूटा और मेरा फूल तोड़न को दिल नहीं करता। ये प्लम का पेड़ है एक भी नहीं है प्लम मेरे को प्लम हाँ नीचे गिरे हैं पर ड्राई हो गए पूरे। ये स्ट्रॉबेरी कीवी का पेड़ मैं जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ आप लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ। ओह हाय गाइस इस प्रकार से होता है कीवी का पेड़ जगा देने ठीक है जब अगली मंजिल आएगी ठीक करा देंगे सेव करते रहना इधर रहना नहीं फिर नहीं अभी तैयार नहीं है। हाँ तैयार नहीं है अभी एप्पल की भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट हाँ ये है गोल्डन ये वाला गोल्डन हाँ, ये ग्रीन वाला हाँ गोल्डन ये है अखरोट मेरे को तो लगा था भी एप्पल होंगे ये मेरे को नहीं पता अखरोट है नीचे आगे भी है नीचे वो नीचे भी पका हुआ देखो देख लेते हैं खाना खाया उसके बाद सब लोग ना रेस्ट कर रहे हैं लस्सी पी ली थी खाने के साथ हम लोग सेव पूड़ी खाई दाल खाई राइस खाया प्लेन चपाती और येलो राइस बिरयानी खिचड़ी सैंडविच में सब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मंगाया था सोने मिल बांट के खाया तो भी सबको नींद आ रही है मेरे को नींद नहीं आती बहुत कम नींद आती है मेरे बाहर बैठी ये वाला बेंच लगा हुआ है यहाँ पे जैसे जैसे शाम हो जाती है ना और सुंदरता बढ़ती जाती है। हम लोग ना शाम को 6 बजे के अराउंड केक कट करेंगे तो मैंने पाइनएप्पल केक ऑर्डर करा है मुझे ना चॉकलेट वाला केक उतना अच्छा नहीं लगता पाइनएप्पल वाला बड़ा अच्छा लगता मम्मी कर रहे हैं रेस्ट मुझे नींद नहीं आती और मेरे को मैं मन करता है भगवान जी कुछ ऐसा होता कि हम हमेशा पहाड़ियों में रहते और ठंडे इलाके में रहते और ऐसे इलाके में रहते हैं यहाँ पर बहुत बर्फ है मेरी बोतल ले आई हूँ और कुशन रखा है पीछे आराम से इधर लेट के रिलैक्स कर रही हूँ। आए हाय ऐसा लग रहा है ना मतलब बस यही पल है बाकी सब तो ऐसे ही है और ना आज मैं व्लॉग डाल ही नहीं पाऊंगी कि मतलब आज बिजी है मन भी नहीं कर रहा ऐसा कह रहा है कि आज एडिट ना करूं मैं तो मैं अपने एनिवर्सरी वाले व्लॉग के कमेंट पढ़ रही हूँ इतना प्यार दिया लोगों ने थैंक यू यार सोलन शिमला कुल्लू मनाली ट्रैवलिंग के व्लॉग्स को और माइका हिमाचल के व्लॉग्स को आप लोगों ने इतना प्यार आपको सनसेट भी दिखाऊंगी इधर से यहाँ पे कि कैसा लग रहा है इसलिए मैं इधर ही बैठी हूँ। बोला कि आप ना सितंबर में अगर मनाली विजिट करते हो ना किसी भी होटल में तो आपको ना एप्पल की जो हार्वेस्टिंग होती है तो उस टाइम पे होती है तो वो बहुत मतलब उस टाइम में होने वाली होती है अक्टूबर में एकदम हो जाती है सितंबर में एकदम कलर्स होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अभी अभी सबको फोन किया प्लांट्स वगैरह जो देखते हैं उनको भी पटना में और मेरे हेल्पर थे उनको एक्चुअली हम लोग छुट्टी पे है ना तो ऐसा नहीं कि छुट्टी पे हेल्पर को पैसे नहीं हम लोग उसको पूरी पेमेंट देते हैं तो उसका पेमेंट मैंने दे दिया था तो मैं भूल गई थी उसको फ़ोन करके पूछना कि पेमेंट आया क्यों हाँ मैंने वो तो कब कहा थी कि अब कब आओगे मैंने बोला आ जाएगा मैंने कहा कैसी गर्मी बीटा में तो करीब बहुत बुरा हाल है के बाद एक तो मेरी फ्रेंड्स हैं उनको वीडियो कॉल करी वो लोग दार्जिलिंग घूमने गए हैं एक तो और एक मेरी फ्रेंड है वो घूमने गए हैं उत्तर वाली साइड यहाँ बहुत ठंडा होता है नाम शाम का बज गया 6:20 चाय ऑर्डर करिए सब लोग उठने वाले हैं 2 कप करिए उसमें 4 कप हो जाता है और मैंने सब आपको सनसेट दिखाना था मुझे सन पता नहीं कहाँ गया मैं अंदर चली गई बातें करने लग पड़ी तब तक सनसेट हो गया पर अंधेरा यहाँ पे बहुत लेट होता है देखना मतलब पटना में तो 6:30-6:35 पे हो जाता है लेकिन यहाँ पे अंधेरा बहुत लेट होता है हमारे उधर भी नीचे भी इतनी तेज पानी की आवाज़ आती है दोपहर सुबह शाम जो व्यू देखोगे ना आपको बहुत डिफरेंट देखने को मिलेगा और वो सामने योगा सेंटर हमारी कॉटेज कॉटेज नहीं रूम बोलेंगे इसके इट्स नॉट लाइक कॉटेज व्लॉग साथ साथ में डाले तो सोलन से भी कुछ सब्सक्राइबर्स से हम लोग मिले शिमला में भी मिले थे यहाँ पे लाइक अभी कल ही तो आए हम है ना एनिवर्सरी वाले दिन सुबह तो आज जैसे मैंने कल व्लॉग डाला था और आज भी काफ़ी सारे लोग कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बट यार हम लोग ना कल मॉर्निंग में आफ्टरनून में निकल जाएंगे और कल हम लोग जब आए थे तभी उधर मनाली मॉल रोड तो नहीं गए बट अटल टनल और ऊपर वाली साइड पूरा घूम के आए रोहतांग 10 किलोमीटर था हमने पीछे का छोड़ दिया फिर गए नहीं उसके आगे तो फिर अब उधर को जाने का नहीं है तो लोग बोले कि मॉल रोड पे हमसे मिल लो तो मैं मिल नहीं पाऊँगी आई एम सो सॉरी बट नेक्स्ट टाइम कभी भी आऊँगी जैसे अभी सोलन में शिमला में सबसे मिल के आई तो आप लोगों से पक्का मिलने की कोशिश करूँगी क्योंकि ना अलग कुछ ऐसे सोलन मॉल रोड पे नहीं हाँ मॉल रोड पे हम लोग यहाँ पे तनिष्क है ना उसके सामने खड़े होते पार्किंग लगी थी तो प्रीतिर मम्मी के एक सब्सक्राइबर मिले तो मैं सोचूँ यार मतलब हम बोलते ना दुनिया बहुत बड़ी है बट जब आपको मिलता है ना आप सोचते यार
यहाँ पे भी ऐसे कोलकाता में हमको लोग मिले, मुंबई में मिले, गोवा में मिले। ये तो चलो अपना हिमाचल है, यहाँ पे हम पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, अपनी जन्मभूमि है ना, यहाँ पे जब लोग मिलते हैं ऐसा लगते हैं। बट जब वहाँ पे दूसरी स्टेट में मिलते हैं ना, तो ऐसा लगता है यार, मतलब जैसे हम अपना ब्लॉग बनाते हैं ना, मेरे को थोड़ी पता है कि कौन कौन देख रहे हैं। जब मिलता है ना कुछ लगता है अच्छा ये हमको देख रहे हैं, तो ये ना ये दिल से दिल का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। एंड 2017 से स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल, आज मतलब कहाँ पहुँच गए हैं। बनाते बनाते पीछे का जो व्यू देख रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है यार प्रियंका ये तू ही है जो ये वाला दिन, ये वाला टाइम, समय व्यतीत कर रही है। बाद में जब घर जाके पटना में जाके जब व्लॉग देखूंगी ना, उसने यार इतनी जल्दी से टाइम चला गया मुझे तो पता। और ना कई बार ना मैं उतना व्लॉग नहीं शूट कर पाती, क्योंकि यू नो आप ना, आपको ना बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती है। जैसे अगर हम दोनों अकेले हैं तब कहीं भी रुक जाओ, कहीं भी किसी भी टाइम पे, है ना। जब फैमिली के साथ होते हैं, जैसे मदर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे के अकॉर्डिंग ये चीज़ बुक करनी है, ये खाना है, वो खाना है, और हर टाइम आप शूट भी नहीं कर पाते ना। जैसे कभी कभी ये चीज़ नहीं दिखानी है, लाइक प्राइवेसी है ना, तो कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि आप मतलब ऐसे नहीं, वो नहीं दिखाया, ये नहीं दिखाया, तो समटाइम्स लाइक प्राइवेसी। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया ना, मम्मी लोग सबके मुँह से एक ही बात निकली, जैसे ही गाड़ी से हम लोग उतरे, कि हाई यहाँ पे आना था, सारी चीज़ें छोड़ के इस जगह पे, ये जो प्रॉपर्टी ना खुली डली अपने ऐसे घर की जैसी लग रही है, जैसे खेत भी हैं, मिट्टी का काम कर लो, मतलब एकदम से ऐसे नहीं, बंद बंद नहीं है, पूरा एकदम खुला खुला। इट्स लाइक ताज अगवाड़ा, उनकी भी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी थी जो गोवा में थी, बट उनके ना गर्म था, यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, और लाइक फलों से पूरा भरा हुआ, ग्रीनरी, रिवर, पहाड़, सुंदर सा खाना, बहुत अच्छा था इनका, इतना डिलीशियस था। मतलब मैं तो एपिक केयर मेम्बर हूँ, ताज की का मैंने लेके रखा हुआ है, सो मेरे को तो लाइक सेट ऑफ फोर, अप टू फोर मेंबर्स का आज था, तो वो मेरे को चार्ज नहीं पड़ा उसका। और मेरी एनिवर्सरी का जो केक कट रहा है वो भी मेरे को इंक्लूडेड ही है उसी में, इसलिए मैंने इसको सोचा कि बुक कर ही लेते हैं और आज ही हमने एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। एपिक्योर कार्ड लेने के ना बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, एक बार तो आपके पैसे लगते हैं, बट उसके बाद आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। अगर आप ट्रैवलर हो तो आपको बहुत फ़ायदा मिल जाता है, अगर कभी कभार ट्रैवल करते हो तब तो नहीं लेना चाहिए, मैं तो करती रहती हूँ, तो फिर मैं ले लेती हूँ। गुड मॉर्निंग मम्मी, जब मैं उठी तो मम्मी तो कब के उठ गए थे, आज मैं सबसे हाँ पेट करते दिए हाथ लगाए, क्यों क्योंकि यहाँ से और ना निकले ऐसे ऊपर को जाएगी। ये देखिए बिल्कुल ये एप्पल ही है ना, ये एप्पल ओके, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कितने सेब लगे हैं, कितने ऐसे लग रहे, इसको देख ही जाऊं और खा ही ना। तो यहाँ पे बैठते हैं, रात को कह रहा था हमने एनिवर्सरी का केक कट, हाँ ये गोल्डन वाले और ये दूसरे जब नीचे बिकते हैं ना, हरा सेब, लाल सेब, ऐसे खर्चने के बाद भी इतना सुंदर नजारा नहीं, नींद आ रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ यहाँ पे जो भी लोग आए हैं उनको मना नहीं, और ना मेरी तबीयत रात को होगी थी खराब बहुत ज्यादा, तो सर अब मैं कुछ खाऊंगी नहीं तब ठीक रहेगा। मैंने नोटिस कहा इतने दिनों में जितने भी दिन मैं यहाँ पे रही हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट किया, तीन टाइम या दो टाइम खाना खाया प्रॉपर, तब मेरी तबीयत खराब हुई है, तो कल मैंने ऐसे ही किया। एप्पल नाशपाती तोड़ना है,